नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम गुड़िकी सत्व के बारे में जानेंगे, जो एक हर्बल पाउडर है और इसका उपयोग पैरों में जलन, रक्तस्राव की बीमारी आदि के आयुर्वेदिक इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसको गिलोय नामक एक प्रसिद्ध पौधे के तने से तैयार किया जाता है। इसे गिलोय सत्व, अमृत सत्व और गिलोय सत्व के नाम से भी जाना जाता है। अब हम गुड़ुची सत्व के फायदे के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग पैरों में जलन, नाक से खून बहना, मलाशय से रक्तस्राव, अत्यधिक मासिक रक्तस्राव, यक्षम, दुर्बलता आदि के आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। गुड़ुचि सत्व यकृत की कार्यप्रणाली को ठीक करता है। यह बुखार, गठिया, आम्लपित्त, जठरशोथ, मुंह के छाले, अत्यधिक प्यास के उपचार में भी लाभकारी है। यह एक उत्तम इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, मतलब व्याधि क्षमता को सुधारता है। गुड़ुचि सत्व अन्य दवाओं के साथ संयोजन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अक्सर अन्य दवाओं के साथ वेगवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा वर्धक क्षमता के कारण गुड़ुचि सत्व रोग का बेहतर इलाज करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, बुखार होने पर 5 ग्राम सुदर्शन चूर्ण में 500 मिलीग्राम गुड़ुचि सत्व मिलाकर डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिन में एक या दो बार प्रयोग होता है। उच्च पित्त की स्थिति में गिलोय सत्व को आम्ल के रसायन के साथ दिया जाता है। खांसी होने पर 5 ग्राम तालिसादि चूर्ण को 500 मिलीग्राम गुड़ुचि सत्व में मिलाकर पिलाने से लाभ मिलता है। मधुमेह में 3 से 5 ग्राम निशामल की चूर्ण को 500 मिलीग्राम गुड़ुचि सत्व में मिलाकर पिलाया जाता है। जलन और झुंझुनी की अनुभूति से जुड़ी न्यूरोपैथी के मामले में 1 ग्राम गंधक रसायन को 500 मिलीग्राम गुड़ुचि सत्व के साथ मिलाकर प्रशासित किया जाता है। गुड़ुचि सत्व वात और पित्त को संतुलित करता है। इस दवा की खुराक की बात करें तो इसे 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की खुराक में दिन में एक या दो बार, भोजन से पहले या बाद में, या आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देशानुसार दिया जाता है। अब जानेंगे कि गुड़ुचि सत्व के दुष्प्रभाव क्या है। मधुमेह रोगियों को इस दवा का उपयोग करते समय नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा के स्तर की जांच करनी चाहिए। गुड़ुचि सत्व की सामग्री की बात करें तो इसको गुड़ुचि के तने और पानी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। गुड़ुचि सत्व का संदर्भ योग रत्नाकर ग्रंथ के राजयक्षम चिकित्सा से लिया गया है। इसका श्लोक है, गुड़ुचिम कंडशः कृत्वा कुट्टायित्व सुमर्दयेत् वस्त्रेण विद्रर्तम तोयम् श्रावयेत् चनेह शनेह शुद्ध शंक निबम चूर्णमेतेह सम्मिश्रयेत् बिशक। यानी गुड़ुचि की दरदरा पाउडर को 4 गुना पानी के साथ मिलाकर अच्छी तरह से गूंथ लिया जाता है। ठोस अपशिष्ट से छुटकारा पाने के लिए इसे फिल्टर करके तरल भाग को कुछ घंटों के लिए बिना हिलाए रखा जाता है और धीरे धीरे साफ किया जाता है। गुड़ुचि सत्व प्राप्त करने के लिए बर्तन के तरल पर एकत्रित सफेद पेस्ट को चाव में सुखाया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurveda.com पर भेंट करें।